जैसा कि देख सकते हो अभी यहाँ पे आरती कर रहे हैं कुछ श्रद्धालु लोग। लाइक इधर से देखो पांड्या जी आरती करवा रहे हैं। और गाइस भीड़ तो ना बिल्कुल ही बढ़ती जा रही है। अभी दोपहर का टाइम हो रखा है, 2 बज रहा है, मतलब 2 नहीं सॉरी 12:30, 1 बजने को है और 1 बजे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। इसे बाबा का पगड़ी बोलते हैं, जो भी नए नए शादी होते हैं ना वो यहाँ पे ये पगड़ी बांधते हैं, शिव जी की तरफ से बांधा जाता है और डायरेक्ट यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पंडित जी पांड्या जी आशीर्वाद देते हुए, जो भी श्रद्धालु आशीर्वाद लेना चाहते हैं ना कुछ पूजा पाठ करवाते हैं उनको, पूजा करने के बाद माला पहनाते हैं। आज अभी अपन लोग मार्केट में जा रहे हैं, मेन द्वार की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इधर के साइड ना एक पांड्या जी का एंट्री है, तो ऊपर की साइड जो भी आ रहे थे ना लाइन में लग के उनको जाने का इधर से सामने की साइड से वो जा रहे हैं। और इधर की साइड देखो ना तो इधर शायद कुआं है, इनसे पानी निकाला जा रहा है। तो ये राम लक्ष्मण का मंदिर है, जय श्री राम जय बजरंगबली। तो उनका मंदिर है राम लक्ष्मण का मंदिर, प्लस इधर कुछ पांड्या लोग बहुत सारे बैठे रहते हैं, पूजा पाठ करवानी होती है ना। जो भी कावर वाले जा रहे हैं ना बम, वो सारे लोग इधर से रोटेट हो के भाई कितना लंबा डिस्टेंस तय करने के बाद ना यहाँ से ये लोग ये इधर के साइड जाते हैं। फिर हर हर महादेव, जय श्री राम जय भोलेनाथ। तो आपको स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग वीडियो के अंदर। तो आज अपन लोग गाइस आप लोग को बाबा धाम का टूर करवाने वाले हैं अंदर मंदिर का, तो प्लीज़ चलिए और फिर आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो आप लोग को अंदर लेके चलते हैं और फिर वहाँ का टूर करवाते, प्लस कहाँ से कहाँ तक लाइन लगना पड़ता है ना वो भी आपको दिखाएंगे, प्लस कैसे जल ढारनी होती मंदिर में वो भी आपको दिखाते, कहाँ पे ढारनी होती है, प्लस कितनी मंदिर है, कौन कौन सा भगवान का मंदिर अंदर वो भी दिखाने वाले। तो प्लीज़ गाइस वीडियो में बने रहना, कहीं भी स्किप मत करना, बस जितना हो सके उतना वीडियो को वॉच करना गाइस। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज अभी अपन लोग मार्केट में जा रहे हैं, मेन द्वार की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इधर के साइड ना एक पांड्या जी का एंट्री है, पांड्या द्वार है, तो उधर से नहीं जाके अपन लोग मेन द्वार से एंट्री लेंगे और फिर आपको भाई मतलब मंदिर दिखाने वाले अंदर का। तो वीडियो में बने रहना गाइस और वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। तो अभी बस कुछ ही समय में अपन लोग एंट्री लेने वाले हैं मंदिर में। सो गाइस अभी हम लोग आ गए, इधर से मेन एंट्री है, लाइक देख सकते हो इधर के साइड प्रसाद ये सब मिलता है, प्लस यहाँ से मेन एंट्री है। तो जिन लोगों को नहीं पता होगा प्लीज यहाँ से एंट्री लेना क्योंकि यहाँ का ना मेन एंट्री यही द्वार है। तो यहाँ से अभी अपन लोग अंदर चलते हैं। तो गाइस फाइनली अपन लोग मेन गेट के एंट्री की तरफ आ चुके हैं और अभी यहाँ से अपन लोग एंट्री लेते हैं अंदर के साइड। तो देख सकते हो सिंह द्वार, और यहाँ से सिंह द्वार से ही एंट्री अपना स्टार्ट होता है। तो अभी अपन लोग एंट्री ले रहे हैं, बट उससे पहले प्रणाम करना पड़ेगा भगवान जी को, हर हर महादेव। सो अपन लोग एंट्री ले रहे हैं और फिर ये देखो एंट्री लेते के साथ कुछ ऐसा सीन आता है गाइस, लाइक देख सकते हो ऊपर की साइड जो भी आ रहे थे ना लाइन में लग के उनको जाने का इधर से सामने की साइड से वो जा रहे हैं। और इधर की साइड देखो ना तो इधर शायद कुआं है, इनसे पानी निकाला जाता है, यहाँ से पानी निकाल के जो भी हो हाथ पाँव धोते हैं, प्लस चढ़ाने वाला ये जल है। और इधर की साइड देखो ना तो इधर के साइड कौन माता का, माँ लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी जी का अंदर के साइड मंदिर है। इधर के साइड से आप लोग अंदर जा सकते हो, हालांकि वीडियो बनाने के लिए अंदर में परमिशन बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पता कर लिया, बोले कि भीड़ के कारण वीडियो नहीं बना सकते हो, तो इसी कारण से आप लोग को बाहर से ही दिखा रहे हैं, बट जो भी दिखाएंगे आपको अच्छे से दिखाएंगे। और फिर ये देखो ये माता पार्वती जी का मंदिर है जो कि लिंक है शिव भगवान का मंदिर से, ये शिव जी का मंदिर है शंकर भगवान का। ये देखो श्री श्री 1008 रामेश्वरम बाबा बैद्यनाथ धाम, तो ये है शंकर भगवान का मंदिर, प्लस ये लिंक है बिल्कुल ही देख सकते हो ऊपर के साइड से लिंक किया हुआ डायरेक्ट पार्वती माता का मंदिर से। सो आप लोग देख सकते हो यार कितना ही भीड़ अंदर के साइड, प्लस यहाँ के साइड जो भी होता है शायद हुमादे सब यहाँ के साइड जलाया जाता है, ये देख सकते हो हुमाद ऊपर जल रहा है, प्लस नीचे के साइड से यहाँ से आरती भी कर सकते हो आप लोग, कुछ पैसे शायद देने पड़ते होंगे मे भी, उसके बाद पांड्या जी आरती करवाते हैं यहाँ से। और ये देखो यहाँ से भी आप लोग लेके आरती कर सकते हो धूप अगरबत्ती से, ये देखो मैंने सोचा था ना भाई यहाँ पे हुमाद वाला है, लेकिन ये अगरबत्ती से यहाँ पे आरती होती है। और ये देखो अंदर की साइड इधर भोला बाबा का ये मंदिर है, जो भी माता पार्वती जी का मंदिर में अंदर गए थे ना वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। सो देख सकते हो यहाँ से सारे लोग एग्जिट कर रहे हैं अंदर से, पूजा करने के बाद यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। ये देखो ये गणेश भगवान का मंदिर है अंदर के साइड ये वाली, तो इसके अंदर जाके आप लोग गणेश जी का पूजा कर सकते हो। और आप लोग लाइन देखो ना यार, तो बहुत ही भयानक तरीके से लाइन इधर लगती है। और फिर ये देखो गणेश जी का पूजा जो कि अंदर के साइड से कुछ लोग करते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। तो इधर से सारे लोग घूम के ये वाली दिख रही है ना, इससे ऊपर ऊपर जाने के बाद ना उधर से चारों तरफ रोटेट होने के बाद वो मंदिर होने के बाद उधर से सारे लोग जाते, उधर से नीचे आके यहाँ से एंट्री लेते शिव जी का मंदिर में।
सो देख रहे हो कितना घूमना पड़ता है। और इसके बाद और भी मंदिर है यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और फिर ये देखो यहाँ से डायरेक्ट से बंधा हुआ कुछ रिवन है जो भी कपड़ा है, और ये डायरेक्ट यहाँ पे जो जिनका न्यूली शादी होता है ना वो यहाँ पे आके बंधन करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वो शिव जी हैं तो वहाँ से बंधन जाता है डायरेक्ट पार्वती माता की तरफ। तो और इधर के साइड देखो ना तो और भी बहुत सारा मंदिर है, लाइक उधर के साइड भी एक मंदिर है, फिर उधर भी मंदिर है, और इधर के साइड देखो ये भी मंदिर है, ये माँ काली मंदिर है, यहाँ पे काली माता का मंदिर है, आप लोग देख सकते हो अंदर के साइड। सो ये देखो ये काली जी का मंदिर है अंदर के साइड, अंदर काली माता का पूजा होता है, सामने के साइड दिख रहे होंगे काली माता, जय काली माता। ये देखो गाजी ये माँ गौरी मंदिर है, सो यहाँ भी पूजा करते हैं सारे लोग आके। ये देखो गौरी माता का मंदिर है, जय गौरी मैया। सो ये गौरी माता का मंदिर है, और भी इधर आनंद भैरव मंदिर, सो ये आनंद भैरव जी का मंदिर है। और इधर की साइड और भी आओ ना तो ये क्या है राम लक्ष्मण मंदिर, सो ये राम लक्ष्मण का मंदिर है, जय श्री राम जय बजरंगबली। तो उनका मंदिर है राम लक्ष्मण का मंदिर, प्लस इधर कुछ पांड्या लोग बहुत सारे बैठे रहते हैं, पूजा पाठ करवानी होती है ना तो ये पांड्या से करवाते हैं सारे लोग, और भी कुछ किसी का मनोकामना होता है उसके लिए पूजा पाठ यहीं पे होता है तो यहीं पे करवाते हैं कुछ लोग। और फिर इधर देखो तो माँ मंगला बंगला मंदिर, सॉरी मैं पहली बार देखा था। और फिर ये सूर्य नारायण मंदिर, सूर्य भगवान का मंदिर है ये, देख सकते हो। और इधर की साइड देखो तो माँ सरस्वती जी का मंदिर है ये, और माँ मनसा मंदिर। भाई मैं तो सरस्वती जी और मनसा माता का मंदिर मैंने देखा था, बट यहाँ का फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और ये अपना हनुमान मंदिर, तो जय श्री राम जय बजरंगबली। सो ये बजरंगबली का मंदिर है हनुमान मंदिर, सो देख रहे हो ना श्री बजरंगबली मंदिर। प्लस ये देखो जो भी कावर वाले जा रहे हैं ना बम, वो सारे लोग इधर से रोटेट हो के, भाई कितना लंबा डिस्टेंस तय करने के बाद ना यहाँ से ये लोग ये इधर के साइड जाते हैं, फिर इधर से नीचे। सबसे पहला एंट्री इन लोग का होता है शंकर भगवान का मंदिर से। तो और ये महाकाल भैरव मंदिर जो कि आप लोग देख सकते हो सामने के साइड है, महाकाल भैरव मंदिर अंदर के साइड। प्लस यहाँ से देखो सारे लोग पहले शिव जी का मंदिर में एंट्री लेते हैं, उसके जस्ट बाद पार्वती माता का मंदिर में लोग एंट्री लेते हैं, क्योंकि अंदर जल चढ़ती है दूध चढ़ती है जो भी होती है, उसके बाद पार्वती माता का मंदिर में एंट्री लेते हैं। आज भीड़ तो ना बिल्कुल ही बढ़ती जा रही है, अभी दोपहर का टाइम हो रखा है, 2 बज रहा है, मतलब 1 बजने को है, और 1 बजे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस मतलब अभी तो बंगाली का है तो इतना भीड़ है, और जब हम लोग आएगा ना 22 जुलाई को तो सोचो यार कितना भीड़ होगा यहाँ पे ना, बिल्कुल पाँव रखने का ना बिल्कुल ही जगह नहीं मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे जब हम लोग आता है तब। बट अभी बंगाली का और नेपाली लोग का है तो उतना मतलब भीड़ ज़्यादा नहीं बोल सकते हो, लेकिन हम लोग का आने के बाद ना बहुत ही। देखो नंदी भगवान का यहाँ पे सारे लोग पूजा करते हैं, नंदी देव का यहाँ पे देख सकते हो, सारे लोग जो भी जा रहे हैं नंदी भगवान का पूजा करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। इसे बाबा का पगड़ी बोलते हैं, जो भी नए नए शादी होते हैं ना वो यहाँ पे ये पगड़ी बांधते हैं, शिव जी के तरफ से बांधा जाता है और डायरेक्ट यहाँ पे पार्वती जी में मिलाया जाता है। न्यूली मैरिड होते हैं ना जो भी न्यूली शादी करते ना वही शिव जी का मंदिर से पगड़ी बांधते हैं और फिर डायरेक्ट पार्वती जी का मंदिर में वहाँ पे बांधा जाता है, तो यही बांधते हैं ये लोग। तो भाई अभी लाइव एकदम कंटिन्यू देख सकते हो, जिनका न्यूली मैरिड प्लस जो भी पहले से भी शादीशुदा होते हैं ना वो भी करते हैं, प्लस शादीशुदा नहीं जिनका मन होता है ना वो अपनी श्रद्धा से भी करते हैं, लेकिन न्यूली मैरिड ज़्यादा यहाँ पे करते हैं ये चीज़। और ये देखो सारे लोग पकड़ के भी कोई एक कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे लोग छू के भी शिव जी का मंदिर से पार्वती जी का मंदिर में कनेक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पे पंडित जी पांड्या जी आशीर्वाद देते हुए, जो भी श्रद्धालु आशीर्वाद लेना चाहते हैं ना कुछ पूजा पाठ करवाते हैं, उनको पूजा करने के बाद माला पहनाते हैं उसके बाद उनको आशीर्वाद देते हैं। ये देखिए लेकिन उनका डिमांड भी कुछ होता है पैसे का, तो थोड़ा सा सोच के आप लोग भी आशीर्वाद लेना गाइस यहाँ पे, क्योंकि अगर भगवान से मिलने के लिए आओ ना तो भगवान को पूजा कर लो और पांड्या जी से पूजा करवा लो काफ़ी है। बट ज़्यादा पैसा का समझ रहे हो ना, तो कोई बात नहीं यार, भगवान का स्थल है कुछ नहीं बोल सकते। ये देखिए ये सारे लोग आरती कर रहे हैं शंकर जी के बिल्कुल मंदिर के सामने ही, बिल्कुल बाबा बैद्यनाथ के मंदिर के बिल्कुल सामने से लोग आरती कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो आरती। और यहाँ पे देखो ढोलक ये सब बज रही है भाई, जैसा कि देख सकते हो अभी यहाँ पे आरती कर रहे हैं कुछ श्रद्धालु लोग, लाइक इधर से देखो पांड्या जी आरती करवा रहे हैं और इधर से ये आरती कर रहे हैं, और सामने की साइड देखो शिव जी का मंदिर है जो कि मैं भी आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाया। गाइस यहाँ से देखो आप लोग बाहर की ओर जा सकते हो, मेनली तो मंदिर से वहाँ से निकास से मंदिर का, जो भी ऊपर की ओर जाते हो ना शिव भगवान का पूजा करने के लिए जल ढारने के लिए,
वो वहाँ से एंट्री लेने के बाद यहाँ से एग्जिट हो जाती है, बाहर हो जाती है, और मेन बाहर के और निकलने के लिए पूरा मंदिर से यहाँ से है। तो यहाँ से आप लोग बाहर की ओर जा सकते हो, और यहाँ पे फूल ये सब मिलते हैं। कुछ लोग यहाँ से भी एंट्री लेते हैं, बट कुछ लोग एग्जिट भी करते हैं यहाँ से। तो अभी अपन लोग एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से, और फिर यहाँ के साइड ना आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। अभी रुकना, वेट करो जस्ट गाइस। सो गाइज, अभी अपन लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे ना धर्मशाला है, जो कि आप लोग फ्री में रह सकते हो। यहाँ पे फ्री में शौचालय, हर कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ आपको फ्री में मिलेगा यहाँ पे रहने के लिए। बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं है। शीघ्र दर्शन कूपन काउंटर, अगर आपको लाइन में नहीं लगनी है तो उसके लिए भी कूपन से आप लोग जा सकते हो दर्शन करने के लिए। 250 का कूपन आती है मेरे ख्याल से, मैं जितना जानता हूँ 250 का आती है। प्लस बाबा बैद्यनाथ कल्याण कोष, ये शुभ सुलभ शौचालय, सारा कुछ निःशुल्क है। आप लोग यहाँ पे अंदर जाके विश्राम कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो फ्री में। जो भी बम आते हो वो यहाँ पे रेस्ट करना है यार, बिल्कुल बिना पैसा का है। और फिर यहाँ पे देखो कुछ लोग पूजा पाठ भी करते हैं इधर के साइड, और भी पूजा पाठ हो रही है उधर। और फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ से भी एंट्री लाइक कुछ लोग देते हैं, प्लस कुछ लोग नहीं देते हैं। बिना कार्ड का प्रवेश ना करें, यहाँ पे कार्ड से एंट्री मिलता है। जो मैंने बोला था ना टोकन, वो यहाँ से एंट्री है टोकन का गाइज। ये देखो यहाँ से एंट्री है, टोकन लो और फिर यहाँ से एंट्री लो, 250 का टोकन, और फिर यहाँ से एंट्री लो, और फिर यहाँ से अपन लोग डायरेक्ट एग्जिट कर जाएंगे। फाइनली गाइज, आप लोगों को सारा कुछ दिखा दिए। सो अभी सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए गाइज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रही है, प्लस और भी आपको कुछ दिखानी है तो वो भी दिखानी है। सो अपन लोग सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना शेयर करना गाइज वीडियो को। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बम बम बोले, हर हर महादेव, जय श्री राम।